नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी श्रोतागणों का आपके अपने YouTube न्यूज चैनल क्लीन न्यूज यूपी में। आप जान सकेंगे इस चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य के तमाम छोटे एवं बड़े खबरों को। तो न्यूज के अंत तक बने रहें और कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं कि आप यूपी के किस जिले से हैं। तो चलिए खबर को शुरू करते हैं, जानते हैं आज की मुख्य समाचार। यूपी पंचायत चुनाव, ग्राम प्रधान प्रत्याशी बनने के लिए पार्टियों के पास आने लगे आवेदन, जानिए क्या कहते हैं दावेदार। जी हां, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा के बाद अब रालोद में संभावित प्रत्याशियों की संख्या बढ़ गई है। पार्टी नेताओं का मानना है कि किसान आंदोलन ने अब जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायतों की सभी सीटों पर पार्टी के संभावित प्रत्याशियों ने दावेदारी पेश की है। रालोद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मेरठ और सराहनपुर मंडल के सभी जिलों के तैयारियों की समीक्षा करेंगे। यूपी पंचायत चुनाव में आया बड़ा बदलाव, उम्मीदवारों के लिए प्रशासन का नया आदेश, नहीं किया यह काम तो चुनाव लड़ना होगा मुश्किल। जी हां, यूपी में पंचायत चुनाव के लिए तैयारियां अंतिम चरण में चल रही है। वोटर लिस्ट जारी हो जाने के बाद अब नजरें आरक्षण सूची पर टिकी हैं। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन भी अपनी तरफ से पूरी तैयारियां कर रहे हैं, वहीं अब इंतजार सूचना की अधिसूचना जारी होने की है। तारीखों के ऐलान से पहले कई जिलों में स्थानीय पुलिस प्रशासन की नजरें चुनाव की तैयारी का कर रहे दावेदारों के समर्थकों पर भी है। पुलिस का मानना है कि समर्थक ज्यादा बवाल करते हैं, ऐसे में कई जिलों में पुलिस ने होने वाले उम्मीदवारों के समर्थकों की सूची तलब करने के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि नामांकन के बाद उम्मीदवार अपने 20 समर्थकों की सूची थाना पुलिस को देंगे। संबंधित क्षेत्र के अधिकारी इस समर्थनों का सत्यापन करने के साथ इनके संपर्क में भी रहेंगे। उम्मीदवारों की चुनाव प्रक्रिया प्रभावित करने पर समर्थकों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। कन्नौज के SSP विनोद कुमार ने बताया कि उम्मीदवारों को इस बार अपने समर्थकों के भी नाम पुलिस को देने होंगे। यूपी में बेटी को ढूंढने के लिए पुलिस ने मांगे थे रुपये, भीख मांगकर वृद्धा ने जुटाई थी रकम, दो दरोगा हुए निलंबित। जी हां, अब तक की सबसे शर्मनाक खबर, कानपुर में लापता बेटी को ढूंढने के लिए डीजल के नाम पर गरीब दिव्यांग वृद्धा से वसूली करने के आरोप में मंगलवार को सनीगवां चौकी प्रभारी राजपाल सिंह व जांच अधिकारी अरुण कुमार को निलंबित कर दिया गया है। प्रारंभिक जांच में दोषी पाए जाने पर DIG ने यह कार्रवाई की है। वहीं मामले में पुलिस ने 4 संदिग्ध लोगों को मंगलवार को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। सनीगवां निवासी वृद्धा की किशोर बेटी 7 जनवरी को लापता हो गई थी। वृद्धा ने 9 जनवरी को सनीगवां चौकी में अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें 5 नामजद और 2 अज्ञात को आरोपी बनाया था। आरोप है कि चौकी इंचार्ज रामपाल सिंह और अरुण कुमार ने बेटी को ढूंढने के लिए गाड़ी में डीजल भरवाने के नाम पर 12,000 रुपये वसूल लिए हैं। किसान आंदोलन के बहाने चमकेगी RLD की सियासत, वेस्ट यूपी के हर जिले में करेगी महापंचायत। जी हां, राष्ट्रीय लोकदल ने तय किया है कि इसी मुद्दे पर जयंत चौधरी वेस्ट यूपी के किसान बहुल पर जिले के महापंचायत करेंगे। इसके लिए 5 फरवरी से 18 फरवरी तक के पहले चरण की महापंचायतों का कार्यक्रम भी घोषित कर दिया गया है। 5 से 19 फरवरी तक का कार्यक्रम, पहली पंचायत में शामिल होंगे जयंत चौधरी। जी हां, किसानों की हमदर्दी हासिल करने की भी किया गया कोशिश। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हादसा, 2 UPDA कर्मचारी समेत 4 की मौत, 5 घायल। जी हां, यूपी के कन्नौज जिले में सुबह आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। एक खराब खड़ी यात्री बस की सुरक्षा में लगी UPDA मोबाइल वैन को तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में UPDA कर्मी सहित 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे की सूचना पर DMSP मौके पर पहुंचकर जांच में जुटे हैं। हादसा तालग्राम थाना क्षेत्र अंतर्गत 163 किलोमीटर पर हुआ। आरोपी ड्राइवर मौके से फरार हैं। यूपी में जल्द खुल सकते हैं 6ठी से 8वीं क्लास तक के स्कूल। जी हां, यूपी में जल्द ही 6ठी से 8वीं कक्षा तक के स्कूल खुल सकते हैं। CM योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि केंद्र की गाइडलाइंस के अनुसार 10 दिनों में 6ठी या 12वीं तक की पढ़ाई शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। कक्षाओं का संचालन शुरू करने से पहले स्थितियों का पूरी तरह आकलन जरूर कर लें। CM ने मंगलवार को आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा में यह निर्देश दिए। प्रदेश में 9वीं व 12वीं तक के कक्षाओं को प्रोटोकॉल का पालन करके खोलने की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है, लेकिन पहले से 8वीं तक के स्कूल अब भी बंद हैं। अब दूसरे चरण में 6ठी से 8वीं तक के स्कूल खोलने की तैयारी है। हरियाणा सहित कुछ राज्यों में इस महीने से 6ठी तक के स्कूल खोल भी दिए हैं।
यूपी के बागपत में पुलिस मुठभेड़, 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश जावेद हो गया ढेर। जी हां, उत्तर प्रदेश के बागपत में बिनोली रोड स्थित गुंड मंडी जाने वाले रास्ते पर कार सवार बदमाशों व पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश पुलिस की गोली से ढेर हो गया, जबकि उसका एक साथी मौके से फरार हो गया। मुरादाबाद में ईंट से सिर कुचलकर युवक की हत्या, शव की नहीं हो पाई है शिनाख्त। जी हां, मजोला थाना क्षेत्र के चौहानों वाली मिलक गांव के नजदीक बाग में मिला शव, काम करते समय महिलाओं ने देखा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शव की शिनाख्त के लिए पुलिस आसपास के गांवों से भी जानकारी जुटा रही है। लखनऊ एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के भाई ने शुरू किया धरना, समर्थकों का हिरासत में लेने का कर रहे हैं विरोध। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी बुधवार को ओमेसी एयरपोर्ट पर अनशन पर बैठ गए। उन्होंने आरोप लगाया कि लखनऊ पुलिस ने उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट आए कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। सोशल मीडिया पर यह मामला वायरल होने पर आनंद फानंद में पुलिस ने हिरासत में लिए गए कार्यकर्ताओं को रिहा कर दिया। करीब 2 घंटे तक अनशन करने के बाद प्रहलाद मोदी सड़क मार्ग से सुल्तानपुर के लिए रवाना हो गए। उधर ADCP चिरंजीव नाथ सिन्हा ने प्रहलाद मोदी के किसी भी कार्यकर्ता की गिरफ्तारी या हिरासत में लेने की बात से इनकार किया है। रिटायर्ड अधिकारियों को ठगने वाले गिरोह के सरगना गिरफ्तार, एसटीएफ की टीम ने लखनऊ में दबोचा। जी हां, एसटीएफ ने बुधवार को पॉलिटेक्निक चौराहे के पास से जालसाज गिरोह के सरगना रामेंद्र कुमार मिश्र को धर दबोचा। सरगना गिरोह के लोगों के साथ एक साल में रुपये दोगुना करने व अत्यधिक मुनाफे पर बीमा पॉलिसी और बोनस देने का झांसा देकर सेनानिवृत्त अधिकारियों और व्यवसायियों को करोड़ों का चूना लगा चुका है। गिरोह के 10 लोगों को बीते अगस्त में एसटीएफ गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। भारत अमेरिका समेत 20 देशों से आने वाली उड़ानों पर सऊदी अरब ने लगाया प्रतिबंध। कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन सामने आने के बाद से दुनिया भर में एक बार फिर से चिंताएं बढ़ गई है। कोरोना महामारी के मद्देनजर अब सऊदी अरब ने भारत और अमेरिका समेत 20 देशों से आने वाली उड़ान पर प्रतिबंध लगा दिया है। सऊदी सरकार के मुताबिक ये रोक कुछ ही दिनों के लिए है। 5 साल में बन सकते हैं लखपति, मिल सकता है FD से ज्यादा ब्याज। खबर है नई दिल्ली से। सही समय पर सही जगह निवेश करने से आप कम समय में ज्यादा पूंजी जुटा सकते हैं। ऐसे में पोस्ट ऑफिस की ओर से संचालित टाइम डिपॉजिट स्कीम फायदेमंद साबित हो सकती है। इसमें आपको FD के मुकाबले ज्यादा रिटर्न मिलेगा। इसके जरिए आप 5 साल में लखपति बन सकते हैं। ये निवेश के लिहाज से सुरक्षित भी है। तो क्या है ये स्कीम और कैसे करें इसमें इन्वेस्ट जाने प्रक्रिया। पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में आप 1 से 5 साल के लिए निवेश कर सकते हैं। अगर आप टाइम डिपॉजिट में 5 साल की अवधि के लिए 5 लाख रुपए निवेश करते हैं तो उस पर आपको करीब 2.25 लाख रुपए का मुनाफा हो सकता है। चूंकि इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट जुड़ता है इसलिए ज्यादा रिटर्न मिलता है। इसमें निवेश 1000 रुपए की न्यूनतम राशि से अकाउंट खुलवा सकते हैं। अमेजन के CIO पद से इस्तीफा देंगे जेफ बेजोस, इस शख्स के हाथ में आएगी कमान। अमेजन के CIO जेफ बेजोस ने अपना पद छोड़ने की घोषणा कर दी है। बेजोस इस साल की 3री तिमाही में अपना पद से हट जाएंगे और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में काम करेंगे। इस घोषणा के बाद नेस्डेक पर अमेज कंपनी का शेयर 1.11% की तेजी के साथ बंद हुआ। वैसे कंपनी के नए CIO के नाम की घोषणा हो गई है। एंडी जैसे जो कंपनी के लाभ कमाने वाले क्लाउड आर्म अमेजन वेब सर्विस के CIO है, बेजोस की जगह लेंगे। यहाँ मिल जा फिक्स डिपॉजिट पर 7% तक का रिटर्न, 1 फरवरी से नई दरें लागू। खबर है नई दिल्ली से। बजाज फिनसर के सन एवं निवेश शाखा बजाज फाइनेंस लिमिटेड ने 36 से 60 महीने की समय अवधि के लिए फिक्स डिपॉजिट दरों में 40 बेसिस पॉइंट तक की बढ़ोतरी की है। नई ब्याज दरें 1 फरवरी 2021 से 5 करोड़ रुपए से कम के डिपॉजिट पर लागू होगी। नए डिपॉजिट तथा मैच्योर होने वाले डिपॉजिट के रिन्यूएबल पर ग्राहकों को नई ब्याज दरों का लाभ मिलेगा। 12 महीने से 23 महीने के बीच की FD के लिए 5 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की गई है, जबकि 24 महीने से 35 महीने के बीच की FD के लिए 30 बेसिस पॉइंट की वृद्धि हुई है। 36 और 60 महीने के बीच के समय अवधि वाले FD के लिए 40 बेसिस पॉइंट की वृद्धि हुई है। ब्याज दरों में बदलाव के बाद 36 महीने से 60 महीने के बीच के डिपॉजिट पर ग्राहकों को 7% तक का उच्चतम रिटर्न मिलेगा। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर कसा तंज, कहा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब हुई। खबर है नई दिल्ली से।
कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली की सीमा पर बैरिकेडिंग लगाने से भारत की प्रतिष्ठा को भारी नुकसान पहुंचा है। उससे एक सवाल पूछा गया था कि क्या दिल्ली की सीमा पर बैरिकेडिंग लगाने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब हुई। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि बिल्कुल भारत की प्रतिष्ठा में भारी गिरावट आई है। न केवल हम अपने किसानों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं बल्कि हम अपने लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, हम पत्रकारों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इस पर सवाल उठता है। पुलिस ने 8 आरोपियों के खिलाफ किया बड़ा ऐलान, दीप सिद्धू सहित 4 पर 1-1 लाख का इनाम। खबर है नई दिल्ली से। देश की राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के 8 आरोपियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने बुधवार को इनाम का ऐलान कर दिया। 8 आरोपियों में से 4 के खिलाफ 1-1 लाख और 4 के खिलाफ 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया। ये इनाम आरोपियों के बारे में पुख्ता सुराग बताने वालों को दिया जाएगा। सस्ते हो सकते इलेक्ट्रिक व्हीकल, ईवी सेक्टर करेगा स्वदेशी बैटरी टेक्निक पर फोकस। आने वाले भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग और आपूर्ति के लिए भारत के ईवी निर्माताओं को दूर की सोच रखनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल की जाने वाली बैटरी की स्वदेशी तकनीक ढूंढनी चाहिए। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को इलेक्ट्रिक वाहन सेक्टर से इस ओर ध्यान देने की बात कही। अगर ऐसा होता तो इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आने वाले वक्त में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कीमतें अपेक्षाकृत कम होगी। रक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण पर 130 अरब डॉलर खर्च करेगा भारत। खबर है बेंगलुरु से। एशिया के सबसे बड़े एयर शो एयरो इंडिया का शानदार आगाज हो चुका। 5 फरवरी तक चलने वाला इस कार्यक्रम में भारत दुनिया के सामने सैन्य और रक्षा के क्षेत्र में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेगा। शो में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख भी मौजूद है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बात पर खुशी जताई कि वैश्विक महामारी के बावजूद इस कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग उत्साह से भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि आगामी वर्ष में रक्षा के क्षेत्र में आधुनिकीकरण पर 130 अरब डॉलर खर्च करने की योजना। रक्षा के क्षेत्र में FDI की सीमा को बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। बीजेपी की चिंता बढ़ा गए वो जो पार्टी में पहुंचे ही नहीं। जानिए क्या पूरा मामला। खबर है बेंगलुरु से। राजनीति में कहा जाता है कि कभी कभी जो नहीं होता उसकी टीस उससे ज्यादा हो जाती जो होता है। कर्नाटक में भाजपा के साथ ऐसा ही हो रहा। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार तो हुआ, लेकिन इससे पार्टी जितने लोग खुश कर पाई लगभग उतना ही नाराज भी हो गया। CM येडियुरप्पा को यह चिंता सताने लगी कि अब यह नाराजगी कैसे दूर करें। नाराजगी दूर करने के लिए आखिरकार डिनर पार्टी का आयोजन हुआ, लेकिन मंत्री पद नहीं पाने से नाराज नेताओं की नाराजगी भरा डिनर से कैसे दूर होती। येडियुरप्पा के निवास पर आयोजित पार्टी से पार्टी के 30 से अधिक विधायकों ने दूरी बना ली। इतनी बड़ी संख्या में विधायकों का डिनर पार्टी से दूर रहना अब पार्टी के लिए चिंता का सबब बन गया। गूगल 26 लाख डॉलर देकर करेगी जॉब में बराबरी मामले का निपटारा। भुगतान और रोजगार में पक्षपात के आरोपों को खत्म करने के लिए गूगल 5,500 से ज्यादा कर्मचारियों और नौकरी के लिए आवेदनकर्ताओं को 26 लाख डॉलर का भुगतान करेगी। इस समझौते के साथ 4 साल पुराना मामला खत्म हो जाएगा। गूगल ने कहा कि हमारा मानना है कि हर किसी को उसके काम के आधार पर भुगतान किया जाना चाहिए, इस आधार पर नहीं कि वे कौन है। भुगतान और रोजगार में पक्षपात को खत्म किया जाएगा। फ्री में कोरोना वैक्सीन लेने के बाद अब श्रीलंका ने भारत को दिया बड़ा झटका। कोलंबो पोर्ट प्रोजेक्ट से किया बाहर। भारत ने पड़ोसी धर्म निभाते हुए कई देशों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराया है, जिसमें श्रीलंका भी शामिल है। लेकिन अब चीन के कट्टर समर्थन कहे जाने वाले श्रीलंका ने भारत को एक बड़ा झटका दिया। दरअसल चीन के कर्ज के बोझ तले श्रीलंका ने कोलंबो पोर्ट परियोजना से भारत को बाहर कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका की सरकार ने देशभर के ट्रेड यूनियनों के कई विरोध के बाद कोलंबो पोर्ट पर बनने वाले ईस्ट कंटेनर टर्मिनल परियोजना से बाहर करने का फैसला किया है। एक्सपोन स्टार मिया खलीफा ने किसान आंदोलन का किया समर्थन। कहा किसानों को मारना बंद करो। खबर नई दिल्ली से। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ बीते 2 महीने से अधिक समय से प्रदर्शन हो रहा और राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसान इसे वापस लेने की मांग सरकार से कर रहे हैं। बीते 26 जनवरी को हुई हिंसक घटना के बाद से जहां एक और उपद्रवियों से निपटने के लिए सरकार सख्त कदम उठा रही, वहीं दूसरी तरफ किसानों ने भी अपना आंदोलन तेज करने की कवायद शुरू कर दी। इस सबके बीच देश विदेश से कई संगठनों और बड़े बड़े सेलिब्रिटी से लेकर शख्सियत तक किसान आंदोलन के समर्थन में उतर आए। किसानों के इस प्रदर्शन को कई हॉलीवुड हस्तियों ने अपना समर्थन दिया। अमेरिकी सिंगर हिराना ने किसानों के समर्थन में ट्वीट किया तो वहीं अब पूर्व पोर्न स्टार मिया खलीफा ने भी किसान के समर्थन में उतर आई है। JBT बैच भर्ती के लिए काउंसलिंग 22 से
प्रारंभिक शिक्षा विभाग में जिला कैडर से संबंधित जेबीटी की बैचवाइज भर्ती के लिए काउंसलिंग 22 से 26 फरवरी को होगी। अभ्यर्थियों को समस्त दस्तावेजों सहित प्रारंभिक शिक्षा उप निदेशक कार्यालय में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी। प्रारंभिक शिक्षा उप निदेशक सीताराम बंसल ने कहा कि उम्मीदवारों को रोजगार कार्यालय कुल्लू बंजार आने की ओर से प्रेषित सूचनाओं के अनुसार साक्षात्कार पत्र जारी किए गए हैं। जिन अभ्यर्थियों को बुलावा पत्र नहीं मिले वे सीधे साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। SBI ग्राहकों के लिए खुशखबरी, भारतीय स्टेट बैंक ने शॉपिंग के लिए पेश किया स्पेशल ऑफर, ऐसे उठाएं फायदा। अगर आप SBI के बैंकिंग एंड लाइफस्टाइल प्लेटफॉर्म योनो के यूजर हैं तो बम्पर डिस्काउंट पर खरीदारी करने का मौका आपका इंतजार कर रहा है। दरअसल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने योनो यूजर्स के लिए योनो सुपर सेविंग डेज स्कीम लेकर आ रहा है। यह 4 फरवरी से शुरू होकर 7 फरवरी तक चलेगी। इस ऑफर के तहत योनो यूजर्स विभिन्न वस्तुओं की खरीदारी पर 50% तक का डिस्काउंट पा सकते हैं। किसानों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान, 72 घंटे के अंदर मिलेगा फसलों का भुगतान। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला किया। यूपी की योगी सरकार ने कहा कि खरीद केंद्रों पर धान की खरीद सुचारू रूप से जारी रहेगी। उन्होंने MSP के तहत धान खरीद में तेजी लाने के निर्देश दिए। गेहूं खरीद की योजना को अमली जामा पहनाते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को उसकी फसल का भुगतान 72 घंटे में किया जाएगा। फसलों के भुगतान को सुगम बनाने के लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अपनी सरकारी आवास पर सीनियर अधिकारियों की बैठक में आज कई बड़े फैसले किए। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।